हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोट्यू चैनल। आज हम जानेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओवरफिटिंग एंड अंडरफिटिंग। अब आप कोई भी मशीन लर्निंग का मॉडल बनाते हो, मॉडल बनाने के बाद आप उसको न्यू डेटा पर टेस्ट करते हो, तब आपको पता चलता है कि आपका मॉडल कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग, ये दोनों कंडीशंस जो होती है वो ये बताती है कि आपका मॉडल शायद पोअरली ट्रेंड हुआ है। अब ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग होता क्या है? अंडरफिटिंग का मतलब क्या होता है कि आपका जो भी मॉडल है उसने ट्रेनिंग डेटा के जितने भी अंडरलाइंग पैटर्न्स है वो अच्छे से डिटेक्ट नहीं किए हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज अंडरफिटिंग। और अंडरफिटिंग मतलब होता है हाई बायस। हाई बायस का मीनिंग क्या होता है कि बेसिकली बायस मीन्स इट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रेडिक्टेड वैल्यूज ऑफ द मॉडल एंड एक्चुअल वैल्यूज। जो भी आपके एक्चुअल वैल्यूज है और मॉडल जो भी वैल्यू प्रेडिक्ट कर रहा है, दोनों का डिफरेंस होता है बायस। अब हाई बायस का मीनिंग क्या होगा कि आपका जो मॉडल है उसने आपका जो ट्रेनिंग डेटा है उससे अंडरलाइन पैटर्न ठीक से नहीं जाने, सो दैट इज कॉल्ड एज अंडरफिटिंग इशू। अब अंडरफिटिंग अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम ट्रेनिंग डेटा बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ हम फीचर सिलेक्शन, जो भी हम पैरामीटर सिलेक्ट करेंगे वो हम ठीक से करने चाहिए हमें, अगर अंडरफिटिंग इशू को हमें अवॉइड करना है। अब ओवरफिटिंग क्या होता है? अब ओवरफिटिंग की ऐसी कंडीशन है जो ये बताता है कि आपका डेटा, आपका जो मॉडल है वो ट्रेनिंग डेटा पे कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड हो गया है और वो न्यू डेटा जो भी टेस्ट डेटा है उस पर पोअर परफॉर्म कर रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज ओवरफिटिंग। अब ओवरफिटिंग अवॉइड कैसे करें? तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमको कुछ टेक्निक्स होती है, जैसे होती है रेगुलराइजेशन टेक्निक्स होती है, या हम क्रॉस वैलिडेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सो ये कुछ टेक्निक्स है जिससे हम ओवरफिटिंग को रिड्यूस कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, अंडरफिटिंग का मतलब क्या है कि आपका जो मॉडल है वो अच्छे से, उसने ट्रेनिंग डेटा का अंडरलाइंग पैटर्न अच्छे से नहीं पढ़ा है, और ओवरफिटिंग का मतलब है कि उसने कुछ ज़्यादा ही ट्रेनिंग डेटा पे काम किया है, मतलब ज़्यादा ही काम किया है। और हम आप ये कह सकते हो कि जब भी हम हमारे मॉडल को बहुत ज़्यादा डेटा ट्रेन कर, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग डेटा प्रोवाइड करते हैं, तो उसके साथ साथ नॉइज भी आ जाता है, तो वो नॉइस के वजह से ओवरफिटिंग की कंडीशन जनरली अकर होती है। तो वो अवॉइड करने के लिए हमें टेक्निक्स होती है जो मैंने आपको बताई, वो आपका आपको करनी है टू अवॉइड द ओवरफिटिंग इशू। सो दीज आर द टू कंडीशंस, बोथ आर बेसिकली पुअर कंडीशंस जो नहीं होना चाहिए, और आपका जो मॉडल है वो बैलेंस्ड होना चाहिए। तो आपका जो बायस और वेरियंस, ये दोनों चीज़ें हैं वो कैसी होनी चाहिए? बैलेंस होनी चाहिए। तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि अगर अंडरफिटिंग की कंडीशन है तो हाई बायस है, और ओवरफिटिंग की कंडीशन है तो इसका मतलब क्या है? हाई वेरिएंस है। तो दोनों भी हाई नहीं चाहिए, इट शुड बी अ गुड बैलेंस ऑफ, देयर शुड बी अ गुड बैलेंस ऑफ बायस एंड वेरिएंस। आई होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आए हो, और मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।